सरसों ने घटाया चने का रकबा। नवंबर समाप्त होने में केवल एक सप्ताह शेष है, बावजूद इसके मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में अभी भी काफी बड़े रकबे में रबी सीजन की बोवनी नहीं हुई है। बारिश लंबी खींचने से जिले में रबी सीजन की बोवनी लेट हो गई है। जिले में लगभग 40% रकबा बोवनी के इंतजार में है। इसमें सबसे ज्यादा अधिक बोवनी गेहूँ की शेष बची है। खास बात यह है कि रबी सीजन में पहले कृषि विभाग ने जिले में बोवनी का जो रकबा प्रस्तावित किया था उसमें काफी बदलाव हो चुका है। खास तौर पर सरसों और चना फसल के रकबे में बड़ा परिवर्तन आया है। जिले में सरसों का रकबा आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर 50,000 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। इससे जिले में चने का रकबा कम हुआ है, जिसके अलावा मसूर का रकबा भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। जिले में अभी भी कई खेतों में धान की फसल खड़ी है। लेट बोवनी और अधिक अवधि तक बारिश होने की वजह से कई जगहों पर धान की कटाई लेट हो चुकी है। विदिशा ब्लॉक में सबसे अधिक धान कटना शेष है, जिसमें अहमदपुर, हांसुआ व अन्य कई गाँव में धान की फसलें खड़ी नजर आ रही है। धान की कटाई के बाद ही किसान रबी सीजन की बोवनी करेंगे और बोवनी का सही समय 30 नवंबर बताया गया है। समय पर बोवनी होने से ही बेहतर उत्पादन मिल सकेगा। मौजूदा समय फिलहाल बोवनी के लिए अनुकूल बताया जा रहा है। वहीं जिले में सबसे अधिक 3,35,000 हेक्टेयर में गेहूं की बोनी का रकबा प्रस्तावित है, जिसमें से अभी तक 1,60,000 हेक्टेयर में ही बोनी हुई है। ऐसे ही जिले में चने का रकबा 1,15,000 हेक्टेयर तक प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से अभी तक 60,000 हेक्टेयर में ही बोनी की गई है। चने का काफी बड़ा रकबा बोनी से छूट चुका है। कई किसानों ने सरसों पर रुझान दिखाया, जिससे इस बार चने का रकबा काफी घटने की संभावना है। अन्य जिन्सों की अगर बात की जाए तो अन्य जिन्सों के में भी लगभग 60,000 हेक्टेयर में बोनी हो चुकी है और कभी काफी जगहों पर अभी बोनी होनी बाकी है। वहीं अगर देखा जाए भाव की बात की जाए तो भाव में भी गेहूं के कीमतों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। गेहूं के अब होने वाली बोनी के लिए सबसे अधिक डिमांड फिलहाल 1544 किस्म की है। इस किस्म के बीज की मार्केट में शॉर्टेज बताई गई है। खासकर फाउंडेशन बीज कहीं पर भी किसानों को नहीं मिल रहा, टीएल और प्रमाणित बीज ही मिल रहे हैं और जिनके दाम भी 400 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़कर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं। बीज के दाम बढ़ने से के पीछे की वजह मंडी में गेहूं के भाव को बढ़ना बताया गया है। मंडी में 1544 गेहूं किस्म फिलहाल 2800 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक तक पहुंच चुका है और इसके अलावा चने के भी नए किस्म के बीज की फिलहाल कमी बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।